So, hey guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का सीन ये है कि आज आ रही है एक न्यू बाइक, उस बाइक का सीन मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा सीन ये है कि हम जा रहे हैं अपने घर अम्बा, मतलब कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। आप बोलोगे भाई तेरे पास कुछ काम नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, तो सही है। मैं अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त का बर्थडे है, उसने भाई इन्वाइट किया, अगर नहीं जाएंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए उसके बर्थडे में जा रहे हैं। आज नहीं है, मतलब बर्थडे कल है, तो आज जाते हैं घर, कल उसके बर्थडे में जाएंगे, कल बर्थडे का व्लॉग बनाएंगे। और जो बाइक आ रही है उस बाइक को पहले आप सिनेमेटिक वगैरह चेक कीजिए, उसके बाद आपको उस बाइक के सीन बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर घर चलते हैं। चलिए। सीन कुछ ऐसा है कि वो बाइक हमारी नहीं है, मतलब मेरी नहीं है, वो बाइक है मेरे जिया जी के बड़े भाई, मतलब वो भी मेरे जिया जी हुई ना, तो उनकी बेटी की शादी है, तो वो अपनी बेटी की जो हस्बैंड है उनके दामाद, उनको गिफ्ट करने के लिए बाइक ली उन्होंने, तो उसी के लिए वो अपने मतलब दामाद जी को गिफ्ट कर रहे हैं बाइक, तो वही बाइक है, हमारी नहीं है गाइस। तो वो बाइक एक गिफ्ट है और किसी और की है। तो की बाइक पे अपना नाम लिख दिया। कोई बात नहीं। और भाई देखो बॉबी की चालाकी देखो, इसने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया है और रह गए हम, हमें भी सामान पैक करना है, रेडी वेडी होना है और फिर घर जाते हैं, घर घर चलते हैं घर। और कल बर्थडे में जाना है तो बर्थडे का भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा, मैं अपने दोस्तों से भी मिला दूंगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं अम्बा में उनसे। और अब चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, घर चलते हैं। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, क्या मतलब मैंने पैंट वही पहना हुआ है, कुछ भी गलत बात है यार। और ये डला है मेरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, ये बॉबी का बैग है, वो मेरा बैग है, और कैमरा का बैग है, और ये लैपटॉप का चार्जर, कैमरे का चार्जर, लैपटॉप, ड्रायर, फोन चार्जर, और हमारे कुछ कपड़े, और इन सबको करते हैं इस बैग में पैक। सो कपड़े पैक करने के बाद मैं सीधा निकलूंगा घर, और घर जाके ही आपसे सीधा मिलता हूँ। अब वैसे रास्ते में कुछ ब्लॉग करने के लिए है नहीं, तो मैं सीधा घर पे मिलूंगा अब तो। सो मैं आ चुका हूँ फाइनली घर, घर में आ गया था 7:30 बजे और अभी 8:15 कुछ हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया आने में, रात हो गई और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी रास्ते में, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, ग्वालियर में इतनी ठंड नहीं है, बट कोई ना, हमने कपड़े डाल लिए हैं। और मैं घर इसलिए आया था क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे है, अगर नहीं जाता तो गालियाँ पड़ती, बोलता हाँ बड़ा आदमी हो गया अब क्यों आएगा, इसीलिए आना पड़ा, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे और हम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम उसके बर्थडे में जाएंगे, बर्थडे व्लॉग बनाएंगे, आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा बर्थडे व्लॉग भी, मैं दोस्तों से भी मिला दूंगा, और आपके लिए भी कुछ प्लान व्लान चल रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे व्लॉग लाने के लिए, कुछ ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सो हेयर इज पापा गाइस, पापा बैठे दुकान पे, पापा ने बोला चश्मा उतार लेना, चश्मा अच्छा नहीं लगता। और मम्मी यहाँ पे हैं, मम्मी भाई अभी दुकान वकान पे ही हैं, दुकान वकान बंद करेंगे, उसके बाद खाना वाना भी किसी ने नहीं खाया, टाइम 9:30 बजे होंगे, 9:30 बज गए, 8:30 बजे अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, अब खाना वाना खाएंगे, फिर एडिटिंग वेडिटिंग भी करनी है मुझे, और ब्लॉग को एंड भी करना था, मैं सोच रहा था इतनी देर से बैठे एंड करूँ तो करूँ कैसे, फिर अगले ब्लॉग किस पे बनाऊँ, तो अगला ब्लॉग मेरे दोस्त का बर्थडे है वो आ जाएगा, और फिर ककनवट जाएंगे, पापा बोल रहे थे चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँ ट्रक पे, पापा से ट्रक जाने बोले थे, जंगल क्षेत्र है ठीक है, पापा पहाड़ों में घुमाने ले जा रहे हैं, ट्रेवलिंग 750 किलोमीटर दूर गए, इस पर अभी हम जा नहीं रहे, अभी तो कह रहा हमें बर्थडे ब्लॉग बनाना है कल दोस्त का, और फिर परसों देखेंगे ककनमठ जाएंगे, ककनमठ भी आपको दिखा देंगे, घुमा देंगे अच्छे से, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और वैसे तो मेरा ट्रैवल करने का मूड है, बस थोड़ा पैसा वैसे नहीं है, अभी गरीब आदमी हूँ पैसे वैसे आने लगे, पर अच्छे कुछ कैमरा वैमरा एक्सेसरीज वगैरह लेने के बाद ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर देंगे, मस्त मस्त घूमेंगे, हम तो छोटे हैं वैसे, पर छोटा बच्चा भी कुछ भी कर सकता है गाइस हम ट्रैवलिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तो सो
आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही बनाऊंगा, मुझे पता है। देखो, अगर मैं ब्लॉग नहीं डालता तो आप लोग नाराज हो जाते कि भाई ब्लॉग नहीं अपलोड किया, है ना। तो मुझे लगा ब्लॉग अपलोड करना चाहिए। और भाई आज मैं ग्वालियर से अम्बा आया वापस, तो थोड़ा ट्रैवल वगैरह करते करते ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लॉग में रास्ते में इसलिए नहीं कर सकता, वैसे तो मैं बाइक पर आया था इसलिए नहीं कर सकता, ऊपर से माइक इसलिए नहीं कर सकता। पर माइक मैंने ऑर्डर कर दिया, आ जाएगा फिलहाल। लेकिन आज का ब्लॉग कुछ मुझे नहीं पता कैसा बनाऊंगा, बट आगे ब्लॉग अच्छे अच्छे आते रहेंगे गाइस, मैं सही बता रहा हूँ, आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। अगर मैं वैसे सोच रहा था अपलोड ना करूँ, अच्छा सा कोई ब्लॉग बनाऊंगा, कहीं जाऊंगा घूमने एकदम मस्त सा, फिर मुझे लगा यार आप लोग गुस्सा हो जाओगे, बोलते हो डेली ब्लॉग करा करो। अब डेली तो मैं नहीं कर पा रहा, एक दिन छोड़ के ब्लॉग करता हूँ, वैसे मैं एक दिन छोड़ के ही ब्लॉग करा करूँगा, क्योंकि डेली ब्लॉग इतनी डेली ऐप अच्छी है नहीं कि मैं रोज़ कुछ अच्छा दिखा सकूँ यार। तो बट मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़ के ब्लॉग आता रहे और बेस्ट ब्लॉग लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तो भाई कुछ अच्छा खासा नहीं है भाई, मैं घर भी ऐसे ही डलाऊंगा, कबाड़ ऐसे इसको सही करना है पहले, फिर आपके लिए डेली नहीं एक दिन छोड़ के अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने के, घूमने वूमने जाया करेंगे और ब्लॉग लाया करेंगे। आगे थोड़ा पेमेंट वेमेंट आने के बाद फिर बाहर घूमने जाएंगे, अपनी यहाँ अम्बा ग्वालियर छोड़ के कहीं बाहर अच्छे से ट्रैवल वगैरह करा करेंगे और आपके लिए ब्लॉग लाते रहेंगे। तब तक के लिए भाई अभी मुझे खाना खाना है और एडिटिंग करनी है, तो फिर मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, कल नहीं शायद, हाँ कल परसों आ जाए ब्लॉग, जब भी आए तब देख लेना आप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखें, लेकिन आगे ब्लॉग पक्का अच्छे आते रहेंगे गाइस। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट में गाली भी दे सकते हो, गाली सुननी पड़ेगी आप लोगों की तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बता सकते हो गाइस, कोई बात नहीं है। और आप बता सकते हो कि आपको कैसा ब्लॉग चाहिए, मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ, तो उस हिसाब से ब्लॉग बनाता रहूँगा, ट्रैवल वगैरह जो चाहते हो वो। देखो ट्रैवल अभी मेरे थोड़े लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मैं अभी इतनी एज भी नहीं है भाई, मैं 18 के भी नहीं हुआ, बट कोई ना पॉसिबल करेंगे हम, इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर सकता है, तो देखते हैं अच्छे खासे ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बड़ा ध्यान रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, लव यू ऑल।